हेलो एवरीवन, सो नाउ दैट द कैट एग्जाम इज ओवर, लोगों ने सीईटी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चालू कर दिया है एंड अभी तुम्हारे कैट के रिजल्ट्स आएंगे। वैसे तुम लोग कॉलेज के एप्लीकेशंस भी चालू करोगे जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा डरावना पार्ट होता है जीडीपीआई प्रोसेस। दैट अगर जीडीपीआई में पहुंच गए तो हम जीडी को क्लियर कैसे करेंगे, बिकॉज लोगों को ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नर्वसनेस होता है दैट कैसे मैं जीडी में परफॉर्म करूँ, कैसे मैं रूड ना लगूँ, कैसे मैं मेरे पॉइंटर्स सोचूँ, हाउ डू आई पुट देम फॉरवर्ड। और अगर मेनली किसी ने मुझे तोड़ दिया, किसी ने मेरे बीच में बोला, मैं वापस मेरा पॉइंट कैसे स्टेट करूँ। ये सारी चीजें जीडी में जो होती है, पीपल आर ट्रेन्ड फॉर दिस। मेनी क्लासेस, इवन आई ट्रेन अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स फॉर दैट, दैट जीडी कैसे करना है, पीआई में कैसे परफॉर्म करना है, हाउ डू मेक द आंसर्स ऑफ द मोस्ट जेनेरिक क्वेश्चंस दैट कीप कमिंग रेगुलरली इन द पीआईस, जो सारी कंपनीज पूछती है, सारी कॉलेजेस पूछती है। सो दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर जीडी। सो गाइज, सबसे पहले एक बात समझो, विच इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट ग्रुप डिस्कशन। यू गाइज कैन ट्राई टू गेस। वेल, द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट ग्रुप डिस्कशन इज दैट जीडी पीआई एक सिलेक्शन प्रोसेस है। एक्चुअली जीडी और पीआई दोनों अलग अलग है। जीडी पीआई में जीडी दैट इज ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटी, जो भी अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ग्रुप डिस्कशन इज बेसिकली अ एलिमिनेशन राउंड एंड अ पीआई इज अ सिलेक्शन राउंड। तो व्हाट डज दिस मीन? एलिमिनेशन राउंड का मतलब समझो, अगर तुम्हारा 10 जन का जीडी है, जीडी में उनका ध्यान उन पे नहीं है, द पीपल हु आर सिलेक्टिंग, उनका ध्यान उन पे नहीं है जो लोग सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट नेगेटिव्स, इसमें ये चीज नेगेटिव है, इसको निकालो, ये पर्सन बोल नहीं रहा है, इसे निकालो, इसका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, इसे निकालो, इसने बहुत रूड तरीके से बात की, इसे निकालो। सो द पॉइंट इज, तुमने नहीं बोला तो भी तुम गलत, गलत तरीके से बोला तो भी तुम गलत, तुमने पॉइंटर्स अच्छे नहीं निकाले तो भी तुम गलत। ये तीनों चीजें तुम्हें फिगर आउट करनी है, कैसे अच्छे तरीके से करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय एक्सपीरियंस इन माय एनपीसीआई का जीडी। सो गाइस, हमारा एनपीसीआई का जो पूरा जीडीपीआई का प्रोसेस था, दैट वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ऑब्वियसली देयर वाज जीडी एंड देयर इज पीआई। एंड अ फ्यू कंपनीज नाउअडेज हैव अ वैट प्रोसेस, दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, दैट वो एक टॉपिक देंगे, तुम्हें अपने थॉट्स तुम्हें लिखना है प्रॉपर्ली। दिस इज नॉर्मली डन बाय मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज उनमें कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा काम होता है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू? वन, यू कम अप विद रेलेवेंट पॉइंटर्स। जीडी का प्रोसेस कैसा होता है फॉर एनी कंपनी और फॉर एनी कॉलेज, द जीडी प्रोसेस इज लाइक दिस। तुम्हें जीडी के पहले जो 8-10 जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मली 6-10 जितना होता है, एनपीसीआई में 12 जन का जीडी था, विच वॉज लाइक माइंड बॉगलिंग। पूरा मैं बताता हूँ दैट क्या जीडी टॉपिक था, एवरीथिंग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो 8-10 लोगों का ग्रुप होता है और वो 8-10 लोगों के ग्रुप को एक टॉपिक बताते हैं दैट तुम्हारा जीडी टॉपिक इज दिस। बाद में तुम्हें देते हैं 1.5 या 2 मिनट या 3 मिनट, डिपेंडिंग ऑन वो उनको उनके मन के हिसाब से वो तुम्हें टाइम देंगे। 1.5-2 इज द मोस्ट कॉमन टाइम दैट इज गिवन टू एवरीबॉडी। 2 मिनट तुम्हारे पास होगा पेन पेपर, तुम्हें अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो पेन पेपर में नोट डाउन करना है, पॉइंट डाउन करना है, और उसके बाद वो लोग जैसे ही बजर बजाएंगे स्टार्ट बोलेंगे, यू हैव टू स्टार्ट योर डिस्कशन। उसमें चीजें होती है, सबसे पहले बोलने वाले पर्सन को मिलती है एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है, कोई उसके सामने कोई उसको जल्दी टोकता नहीं है, एंड ऊपर से इंप्रेशन भी अच्छी पड़ती है दैट दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट हिज और हर पॉइंटर्स। बट उसमें नुकसान ये है, अगर तुमने पॉइंटर्स बोले और वो पॉइंटर्स कुछ गलत हो गए तो तुम्हारी सबसे ज्यादा बेइज्जती होगी, बिकॉज तुमने सबसे ज्यादा चालू तो किया और सबसे पहले जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छा बोलोगे, तुमसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे और तुमने पूरे एक्सपेक्टेशन पे पानी फिरा दिया। अवर टॉपिक इन जीडी वॉज अ वेरी 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 वेग वन। नॉर्मली कैसा होता है, या तो तुम्हें एक न्यूज टॉपिक दे देंगे, जियोपॉलिटिकल इवेंट दे दिया, या फिर ये G20 समिट दे दिया, मैथमेटिक्स इन साइंस, ऐसा कुछ टॉपिक दे दिया विच एक्चुअली मेक्स सम सेंस। बट हमें दिया था एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दैट इज ऑरेंज, बस वी हैड द जीडी टॉपिक एज ऑरेंज। अब ऑरेंज फ्रूट हो गया, कलर हो गया, क्या कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऑरेंज। मैं समझ गया कि दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट जीडी। मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट जीडी इज समथिंग जिसमें कोई बेस नहीं है, मतलब तुम कुछ भी सोच सकते हो, बट कुछ भी सोच सकते हो, दिस इज एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज। एडवांटेज कैसे, एडवांटेज बिकॉज तुम अपने हिसाब से हाउ क्रिएटिव यू आर, तुम जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आओगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। तुम्हें कोई भी पॉइंट को ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर समझो कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट है, G20 है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर है, इसके बारे में तुम्हें अगर डिटेल्स नहीं पता तो तुम जीडी में क्या ही बोलोगे। बट यहाँ पे तुम कुछ भी बोल सकते हो, योर इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्रिएटिव यू आर एंड हाउ वेल प्रोसेस्ड एंड वेल थॉट योर थॉट्स आर। ये एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट का नुकसान ये होता है बिकॉज कोई भी इसके बारे में कुछ जानता नहीं है तो सब लोग बहुत ज़्यादा भसड़ मचाते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू जम्प, एवरीबडी वॉन्ट्स टू कट यू ऑफ। द पॉइंट इज हाउ यू आर गोइंग टू विन इन एन एब्स्ट्रैक्ट जीडी इज हैव वेरी 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 गुड पॉइंटर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स, बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट वेन यू स्पीक, और जब कोई तुम्हें बीच में से तोड़े
तो कैसे तुम्हें अपने पॉइंट को वापस लेके आना है, तो ये तुम्हारे में एबिलिटी होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई एट क्रैकेरिटी साइड ट्रेन माय स्टूडेंट्स फॉर जीडीपीआर आल्सो। जो कैट का हमने जो बैच किया उसमें स्टूडेंट व्हेनेवर दे आर इन फॉर जीडीपीआर आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ट्रेन देम। पहले भी इवन राइट नाउ व्हेन माय स्टूडेंट्स आर एट जेबीआईएमएस इन सिडनी, तो उनको जब भी इंटरव्यूज में चाहिए समर इंटर्नशिप या फिर फाइनल इंटर्नशिप्स, आई हैव टेकन मल्टीपल जीडीज एंड पीआई सेशन जस्ट टू ट्रेन देम दैट कैसे उनको सीखना है, कैसे जीडीज में परफॉर्म करना है, कैसे पीआईज में आंसर देने हैं। आर टॉपिक स्टार्टेड ऑरेंज, 2 मिनट मिले और सब पहले 10 सेकंड तो एक दूसरे को देख रहे थे कि अरे यार क्या ही लिखे ऑरेंज में। तब मैं सोच समझ गया था कि ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, मुझे अपने हिसाब से कुछ लिखना है। मैंने नोट डाउन किए, 2 मिनट के लिए मैंने सारे पॉइंटर्स लिखे एंड देन आई वाज रेडी। आई इन माय माइंड मुझे पता था कितना है, मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट जितना मुझे पता चला, उसके बाद मैं बस वेट कर रहा था। बाकी लोग लिख रहे थे, मैं वेट कर रहा था कि मैंने तो मेरे पॉइंटर्स लिखे हैं, मुझे चालू करना। एंड जैसे ही बजर बजा आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। सो आई एक्नॉलेज्ड द फैक्ट दैट देखो ये जीडी का टॉपिक है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। So that is how I started it was. So guys, since we already know that the topic that we have gotten is just orange, we don't know exactly if we are talking about the color or the fruit. So I'm going to talk about orange as an idea, orange as a concept. And how is orange a concept? You can basically think that orange, the color and the fruit both fall into multiple categories and have multiple implications. I'm going to talk about the social, economical, symbolic, transformative and the religious concept in which orange as a word is used many times. Starting off with social. Social matlab I basically maine ye 5 pointers bole and tab log thode ऐसा मैंने लोगों की शक्ल देखी एंड दे वर अ लिटिल शॉक यार ऑरेंज के बारे में इतना सब कहां ही आ जाएगा। तब जाके मैंने मेरे पॉइंटर्स चालू किए, दैट इज सोशल, द सोशल कंस्ट्रक्ट इन विच वी लिव। बेसिकली वी आर स्टेइंग इन अ कंट्री दैट इज इंडिया एंड द रिलीजन फॉलोड बाय द मेजॉरिटी इज हिंदुइज्म। भगवा और द ऑरेंज रंग इज रियली क्लोजली रिलेटेड टू हिंदुइज्म ऑन मेनी फ्रंट्स, बी इट द गॉड्स और बी इट द वे दैट पीपल ड्रेस ड्यूरिंग पूजास। Also, this is something that is used by the political parties nowadays to relate themselves to the religion that is Hinduism, so that they can create places in the hearts of millions of Hindus who are the majority population who are the vote bank. Now, this is one way in which the political parties are using the orange color. But then we come on to the other symbolism where orange is used. That is, if you look at our flag, there is orange, white, green and blue colors, where orange signifies courage, willpower of the people who have fought for the country, gotten us the independence, and also the people who are still working to make this country the greatest country on the face of earth. There are also companies which use the orange color, but there the orange color is used in a very different context, that is in a fun way. When I look at brands like Nickelodeon or Fanta or Vodafone, which was that day from orange went to Hutch, where they gave the pug campaign, which is very well known, and finally becoming Vodafone, the biggest telecom operator in the country for an extended period of time. I guess itne lambe time tak there is nobody who was such a big telecom operator. Now we just don't talk about orange as a color, let's also talk about orange as a fruit. In this GD, I was expecting that jaise hi color khatam hoga koi to mujhe tokne aayega aur actually log kuch bolenge, but actually कोई नहीं आया। And in fact in the GD for the first 4.5 minutes I was the only one talking। हमें दी थी approximately 9 to 10 minutes, उन्होंने बोला था you have 9 to 10 minutes to talk about it, तो वो अपने हिसाब से रोकने वाले। पहले 4 मिनट के लिए कोई मुझे नहीं रोक रहा था, तो मुझे लगा कि यार कलर तो बोल दिया, I was a little nervous, but I definitely went on because मेरे पास मेरे pointers लिखे हुए थे। तो मैंने वापस पढ़ा एंड नाउ कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स। नाउ व्हेन आई से इकोनॉमिक फैक्टर्स, द कलर ऑरेंज डज नॉट हैव एज मच सिग्निफिकेंस एज द फ्रूट ऑरेंज। वी आर, अब ये मेरा जीडी हुआ था जनवरी में, ओके, वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी। दिसंबर एंड जनवरी आर द पीक मंथ्स व्हेन ऑरेंज इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सिटी नागपुर टू सिटी कैलकटा, बिकॉज फ्रॉम कैलकटा इज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज नागपुर ऑरेंजेस आर नोन। Now the point is that how does it make a difference to any other industry? Well, I coming from the steel industry know that definitely the trucks, which are the biggest way, the way in which the steel is transported to many of our clients, the trucks are unavailable. Because what the truck owners, the fleet owners do is that they will send the trucks to Nagpur and from there to Calcutta, because they get a very very high profit margin. Because overall, unlike steel, in the same volumetric space you can store many more oranges, and because it is seasonal they get a very good price for it also. So that is why if you see, because of that the overall steel market has to reduce the steel prices, so that because of the transportation the client or the customers will not have to face a bigger brunt of it. Only then the steel will be sold at a lower price also, but we have to sell it.
दिस हैज इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑन द ओवरऑल कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एंड दैट इज वाई वी सी दैट इन फेब्रुवरी एंड मार्च देर इज मच मोर अपटेक और मेनी राइज इन द स्टील प्राइजेस ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर बिकॉज द स्टील प्राइजेस हैव बीन केप्ट लो बिकॉज ऑफ डिसंबर एंड जनवरी. ये जैसे ही मैंने बोला अगेन पीपल डिडंट नो दैट ये फ्रूट पे क्या बोले, अब तो खत्म हो गया, ये फ्रूट को इकोनॉमिक तक लेके गया. सो आई ब्रॉट इन पॉइंट्स व्हिच वर एक्सट्रीमली डिफरेंट, समथिंग दैट दे कुड नॉट काउंटर. इसमें कुछ गलत तो नहीं बता सकते. अंडरस्टैंड लोगों की मेंटालिटी होती है, अगर कोई बोल रहा है उसको तोड़ के उसके अगेंस्ट कुछ बोले. अब मैं बोल रहा हूँ फ्रूट और उसके इकोनॉमिक्स के बारे में, आई एम मेकिंग वेरी वैलिड वेरी जेन्युइन पॉइंट्स, पीपल कैन नॉट अपोज दिस. तो जैसे ही मैंने फ्रूट का बोला तब जाके कोई वापस बोलने लगा, किसी ने मुझे वो टाइम पे आई जस्ट टुक अ ब्रेक टू ब्रीद, तब जाके कोई आया और कोई मुझे कोई चालू हो गया दैट ओके वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ऑरेंज इन दिस सेंस. दे वर टॉकिंग अबाउट ऑरेंज इन अ डिफरेंट सेंस ऑल टुगेदर, या फिर ऑरेंज कैसे फेस्टिविटीज में यूज होता है, ऑरेंज एज अ कलर, एंड बाद में द टॉपिक ऑल्सो वेंट टू हाउ होली बींग अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, काफी जगह पे घूमा. फाइनली कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ पे वो पर्सन द स्टूडेंट हु वाज विद मी, इवन दैट पर्सन टुक अ ब्रेक एंड बाद में दो तीन लोगों ने ऑब्वियसली बोला एंड देन आई अगेन जॉइंड इन. एंड ऑल्सो देर इज वन थिंग दैट वी आर फॉरगेटिंग, बींग इन द कंट्री दैट इज इंडिया, एवरीवेयर वेर वी आर गोइंग टू मार्केट रिलीजन इज गोइंग टू बी अ पॉइंट दैट वी हैव टू कंसिडर. ये वापस में जो रिलीजन वाला पॉइंट था, कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आई हैड स्टेटेड इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द जीडी, आई वेंट बैक टू द रिलीजियस वन और बाद में उस पर हमने डिस्कशन चालू किया. सो नाउ दिस इज अ गुड थिंग टू डू, टेकिंग पीपल बैक टू द ओल्डर पॉइंट दैट यू हैड ओनली स्टेटेड. बिकॉज समझो अगर जीडी के स्टार्ट में तुमने कुछ बोला और जीडी जो देख रहा है उनका ध्यान नहीं था, गोइंग बैक टू द ओल्ड पॉइंट जहां पे बाकी लोग भी तुमसे अग्री करेंगे और बात करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स आई नो हाउ टू चेंज द वे दैट पीपल आर थिंकिंग वेरी इजिली. दिस इज अ वेरी गुड एबिलिटी दैट पीपल आर लुकिंग आउट फॉर. सो जीडी मेरा ऐसे गया था, फाइनली एट अबाउट 7.5 मिनट्स आई स्टॉप टॉकिंग सो दैट अदर्स कुड ऑल्सो टॉक, क्योंकि यू कांट कीप टॉकिंग कंटिन्यूअसली. सो आई टुक अ ब्रेक एंड बाद में मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड जस्ट नोटिंग डाउन द पॉइंट्स दैट अदर्स वर स्पीकिंग. Why? Because GD के end में जब 1 मिनट या 45 सेकेंड्स बचा होता है, they say 1 मिनट to go और 45 सेकेंड्स to go. That is when they are expecting you to conclude the entire GD. That is when I again came in and because बाकी लोगों conclude करने उनको पता ही नहीं था कि कैसे conclude करेंगे, I had pointers written down. मेरे पास मेरे pointers थे, मेरे पास last के 2 मिनट में जिसने जो जो बोला वो सारे pointers लिखे हुए थे. And then I started by saying that, okay, thank you so much for the time and for concluding the entire GD. I would like to say that these are the pointers that we discussed. So orange being a fruit or a color, the different ways in which we can look at orange as a concept, as an idea or as a word are these. As stated by Kunal, also these points are something that we can look at. ऐसे करके मैंने पूरा GD conclude किया and finally conclusion हो गया, तो उसके बाद कोई कुछ बोलता ही नहीं है. Conclusion is the final word. Nobody is going to stop you there. That is how my GD went. I knew that GD इतना अच्छा गया है. I spoke a lot. I put out a lot of good pointers. And finally मुझे पता था GD से PI में तो जाना ही है. And PI round तो well, I guess I have also uploaded my PI round का video. So you guys can definitely see it. Apart from that, if you guys want any help with the GD, then please put in doubt in the comments. अगर तुम्हें चाहिए that मैं तुम्हें GD के लिए जो थोड़े topics होते हैं जो मैं crack out students को देने वाला हूँ वो भी मैं तुम्हारे लिए release करूँ, then you guys just post it in the comments. तो मैं तुम्हें बताऊँगा that कैसे वो GD को clear करना है, कैसे ये वाले topic को कैसे करना है. I will make a few videos on that also. If you guys have a few recommendation of GD topics, तो भी तुम comments में डाल सकते हो. Okay? So I hope you guys like this video. And apart from that, if you need any help, please reach out to Crack Every Test.